विमानतल मार्ग स्थित श्री विद्याधाम पर पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के सानिध्य में 121 विद्वानों द्वारा 108 भागवत का मूल पारायण पूजन अर्चन एवं आचार्य पंडित राहुल कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से मोक्षदायी भागवत कथा अमृत की वर्षा का आयोजन विद्याधाम से शुरू हुआ। शोभा यात्रा श्री श्री विद्याधाम प्रारंभ होकर कान्या कुब्ज नगर 60 फीट रोड सुखदेव नगर कालानी नगर चौराहा होते हुए एरोड्रम रोड से पुनः विद्याधाम पर समाप्त हुई। यात्रा में शामिल विद्वान ब्राह्मणों भजन एवं गरबा मंडलियों वेद पाठी बालकों तथा अन्य भक्तों का स्वागत हुआ। शोभा यात्रा संयोजक योगेश होलानी एवं दिनेश सोनी के अनुसार यात्रा में भागवत मूल पारायण के 125 विद्वान एवं परिजन भी शामिल थे। मार्ग में अनेक स्थानों पर शोभा यात्रा के स्वागत किया गया। भागवत ज्ञान यज्ञ के लिए विद्याधाम परिसर में सुसज्जित व्यासपीठ एवं मूल पारायण के लिए यजमानों तथा विद्वानों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था की गई है। पारायण प्रतिदिन सुबह से 9 बजे से 12 बजे एवं दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगा, जबकि संगीतमय भागवत कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। भागवत महात्म्य एवं गौकर्ण व्याख्यान प्रसंग हुआ। प्रमुख रूप से भूपेंद्र सिंह केशरी, निरंजन सिंह चौहान और नितिन शर्मा भी शामिल हुए। आयोजन की शुरुआत हुई है। विभिन्न उत्सवों के साथ विद्याधाम के